इक्वल टू एल्फा एम एक्स इज टू दावर एल्फा माइनस वन इंटू ट्वाइस एफ वन एल्फा प्लस एम बीटा गामा एक्स ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड ठीक है लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करोगे तो सबसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ट्वाइस एफ वन इसको डिफाइन करो डेफिनेशन सबको क्लियर है समीशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एल्फा आर बीटा आर फैक्टोरियल आर गामा आर इन टू एक्स रिस टू दावर आर समीशन एन से भी ले सकते हो यहाँ पे समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एल्फा एन बीटा एन अपॉन फैक्टोरियल एन गामा एन एक्स रेज टू द पावर एन तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है तो एन से करना चाहो एन से भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम कल क्वेश्चन किया था सभी को क्लियर होगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं ये जो कल आप लोगों को करवाया था क्वेश्चन आज कर रहे हैं उससे पहले रिजल्ट्स प्रूव किए थे थ्री रिजल्ट्स ए बी सी जिसमें कंडीशंस क्या थी मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन एंड मोड ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस वन इज लेस देन वन देन वी प्रूव पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी तो कल के क्वेश्चन में स्मॉल टी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड स्मॉल टी इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा पुट करते हुए टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बनाई थी और फिर दोनों को ऐड करके और क्वेश्चन को प्रूव किया था क्लियर है सभी को और फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो इजीली आप पूछ सकते हैं डिफाइन कर दिया इसको ठीक है अब इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ठीक है तो ओनली एक्स वाली टर्म्स को डिफ्रेंसिएट करेंगे बाकी सभी टर्म्स को बाहर ले लो समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एल्फा आर बीटा आर अपॉन फैक्टोरियल आर गाम इनको तो बाहर ले लो और डी एम अपॉन डी एक्स एम एक्स टू दावर एल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस आर अब नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना कि एम एथ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म आर फॉर्ट कि इस टर्म का एम एथ डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करोगे अब ये एम एथ डेरीवेटिव है कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी वैल्यू सबसे फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू दावर एल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस आर ये फाइंड आउट करोगे फिर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब एंड सोन डी एम अपॉन डी एक्स एम फाइंड आउट करेंगे जैसे देखो देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके लिए सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करो डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर अल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस आर एक्स रेज टू द पावर एन का डिफ्रेंसीशन क्या होता है एन x एक्स रेज टू दावर एन माइनस वन तो इसका डिफ्रेंसीशन करोगे अल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस आर और इसकी पावर माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया ठीक है ये वैल्यू आ गई नेक्स्ट डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू दावर एल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस आर इस ट्रम को अगेन डिफ्रेंसीट करोगे alpha माइनस वन प्लस एम प्लस आर ये तो एज इज हो गया इसका करो एक्स to टू power एन वाले फॉर्मूले से एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस टू x एक्स to टू power alpha प्लस आर प्लस एम माइनस थ्री ओके एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस वन एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस टू ठीक है इसको इस फॉर्म में ले लो तो ये एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस वन हो जाएगा ये एम माइनस टू और एक्स रेस टू दी पावर एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस थ्री नेक्स्ट डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब एक्स टू दावर एल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस आर इक्वल टू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे देन वी गेट ये दोनों टर्म तो एजिटेज इसका करो इसका करते हैं तो अल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस थ्री इन टू एक्स रेस टू पावर एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट एंड सो ऑन अब इसको देखते हुए जर्नलाइज करेंगे डी एम अपॉन डी एक्स एम एक्स रेज टू दी पावर एल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस आर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और इनके अकॉर्डिंग जर्नलाइज करो अब जर्नलाइज कैसे करोगे जैसे ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो तो ये वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं थर्ड थ्री तक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में टू तक ठीक है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में थ्री तक तो एम ए थोड़ा डेरिवेटिव में वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी अल्फा प्लस आर ये एज़ एज़। एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस टू अपू एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस एम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो थर्ड थ्री तक वैल्यू जा रही है तो एम ए थोड़ा डेरिवेटिव होगा तो ये वैल्यू एम आएगी यहाँ पे ठीक है क्लियर है अब यहाँ से देखो जैसे ये सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव है तो एम माइनस थ्री एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस थ्री आ रहा है थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव है तो माइनस फोर एल्फा प्लस आर प्लस एम तो सेम है इसमें भी इसमें भी सब में सेम आ रहा है ये माइनस फोर तक तो मीन्स टू है तो थ्री तक वैल्यू जा रही है थ्री है तो फोर तक वैल्यू जा रही है तो एम है थोड़ा डेरीवेटिव में कहाँ तक वैल्यू जाएंगी एम से वन ज़्यादा तो ये हो जाएगा x रेस टू पावर एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस एम प्लस वन तो या तो बार यूज करो इसके ऊपर या ब्रैकेट यूज करो ओके तो इस तरह से एहत डेरिवेटिव की वैल्यू इस फॉर्म में फाइंड आउट हो गई अब ये प्लस एम माइनस एम इसको तो कैंसिल कर दो ठीक है यहां भी प्लस एम माइनस एम जो है वो कैंसिल हो रहा है क्या क्या टर्म्स हैं अल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस वन एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस टू अप टू एल्फा प्लस आर देखो इधर से वैल्यू देखो तो वैल्यूज कम होती जा रही हैं माइनस वन है इसमें माइनस वन करोगे तो माइनस टू आएगा माइनस टू में माइनस वन करोगे तो नेक्स्ट माइनस थ्री आएगा तो वैल्यूज कम हो रही हैं अपोजिट देखो तो वैल्यूज़ क्या होंगी इंक्रीज हो रही हैं जैसे इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को देखें इधर से तो इसमें प्लस वन करोगे तब ये वैल्यू आएगी तो एल्फा प्लस आर से पहले वाली वैल्यू क्या होगी एल्फा प्लस आर प्लस वन और एल्फा प्लस आर ठीक है क्लियर है तो एल्फा प्लस आर से जस्ट पहले वाली वैल्यू देखनी हो तो इसमें रिवर्स देख लो वैल्यूज उल्टे से देख लो इधर से कि माइनस टू है या माइनस वन आ रहा है तो इसमें प्लस वन करोगे तब ये वैल्यू आ रही है तो इसमें भी प्लस वन कर दिया एक्स रेस टू दी पावर ये तो कैंसिल हो गया अल्फा प्लस आर माइनस वन अब इसमें देखो इन वैल्यूज को इसमें इसको सबसे पहले ले लो अल्फा प्लस आर अल्फा प्लस आर प्लस वन अप एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस टू एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस वन इन टू एक्स रेस टू दावर एल्फा प्लस आर माइनस वन एल्फा प्लस आर एल्फा प्लस आर प्लस वन टू एल्फा प्लस आर प्लस एम माइनस वन ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया इसको किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करोगे इजीली बता सकते हो सभी एल्फा प्लस आर एम एल्फा एन वाला फॉर्मूला जानते हो सभी एल्फा एन को किससे रिप्रेजेंट करते हो किस कैसे एक्सपेंड करते हो एल्फा एल्फा प्लस वन एल्फा प्लस टू अप टू एल्फा प्लस एन माइनस वन सो दिस टर्म इज इक्वल टू एल्फा प्लस आर एम एक्स रेस टू पावर एल्फा प्लस आर माइनस वन मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि एम एथ डेरीवेटिव ऑफ एक्स रेस टू दावर एल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस आर इज इक्वल टू एल्फा प्लस आर एम इन टू एक्स रेस टू दावर एल्फा प्लस आर माइनस वन कि इसका एमएथ डेरीवेटिव जो है वो इसके इक्वल होगा अब इस टर्म की ये वैल्यू हो गई इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पुट करोगे वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी सोल्व नेक्स्ट प्रोसेस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया ये वैल्यू ठीक है अब इसमें देखो कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी एक्स रेस्ट टू दी पावर एल्फा माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म्स मीन्स ये समेशन किस पे है आर पे है तो आर से इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट है वो उनको बाहर ले लो तो यहां से एक्स रेस्ट टू पावर एल्फा माइनस वन ये तो बाहर हो गया और समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एल्फा आर बीटा आर फैक्टोरियल आर गामा आर एल्फा प्लस आर एम है एल्फा एन वाला फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे अपॉन गामा फंक्शन ऑफ एल्फा प्लस आर एक्स रेस टू दावर आर ओनली ठीक है ये बाहर आ गया नेक्स्ट देखो अब इसमें जो प्रूव करना है थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए इसको प्रूव करो इसको ओपन कर लो यहाँ पे यूज कर लो फार्मूला एल्फा आर है ये इसको इसका फार्मूला यूज कर लो यहाँ पे एल्फा आर इसको गामा एल्फा प्लस आर अपॉन गामा फंक्शन ऑफ एल्फा बीटा आर फैक्टोरियल आर गामा आर इन टर्म्स को एज इट इज रहने दो एल्फा प्लस एम प्लस आर ठीक है इसको इनटू और डिवाइड करो गामा फंक्शन ऑफ़ एल्फ़ा प्लस एम आर के अलावा जो टर्म है उससे इनटू और उससे डिवाइड कर दिया ठीक है अपॉन गामा फंक्शन ऑफ एल्फा प्लस आर इनटू एक्स रेज टू पावर आर गामा एल्फा प्लस आर ये कैंसिल हो गया ठीक है ये कैंसिल हो गया अब नेक्स्ट इसको कैसे एडजस्ट करें इसको देखो एक तो ये देखो यहाँ पर ये एल्फा एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एल्फा प्लस एम आर ठीक है गामा एल्फा प्लस एम अपॉन गामा एल्फा ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे एल्फा एम तो एक्स रेस टू दी पावर एल्फा माइनस वन और एल्फा एम को बाहर ले लो क्योंकि ये आर से इंडिपेंडेंट टर्म हो गया आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट क्या क्या, -क्या टर्म्स हैं अपनी ये एल्फ़ा प्लस एम आर बीटा आर को एजटिज रहना रहने दो फैक्टोरियल आर गामा आर एक्स रेस टू दावर आर तो सिंपल तो, यहाँ पर आर के अलावा जो टर्म है उससे इनटू और डिवाइड कर लो यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे गामा एल्फ़ा प्लस आर तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा इसलिए इसको ओपन कर लो या इसको एज इट इज रहने दो तो, इसको कर सकते हो गामा एल्फा से इनटू और गामा एल्फा से डिवाइड करोगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है कैसे भी कर सकते हो क्लियर होना चाहिए ये फॉर्म आ गया अपना ठीक है नेक्स्ट क्या करें ये तो इट इज रहने दोनों टर्म्स और इसको हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन की फॉर्म में या ये कहो कि हाइपर ज्योमेट्रिक नोटेशन की फॉर्म में इसको डिनोट करो इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एल्फा माइनस वन एल्फा एम एंड दिस टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस एफ वन एल्फा प्लस एम बीटा गामा एंड एक्स ओपन करके देखो इसको यही टर्म आ जाएंगे एल्फा प्लस एम आर बीटा आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा आर एक्स रेज टू दावर आर सो दिस टर्म इज डिनोटेड बाय दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड ये प्रूव करना था इसमें तो मेनली इसमें अपना क्या है डीएम अपॉन डी एक्स एम एक्सरेस एक टू तो पावर एल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस आर ये वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसके अकॉर्डिंग जर्नलाइजेशन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करना है कि इसको किस किस तरह से एडजस्ट करें कि ये इजीली सॉल्व होते हुए शॉर्ट फॉर्म में आ जाए जैसे ये वैल्यू इसकी ये आ गई अब एक बार इसको पहले नोट note करना नोट्स अपना नोटबुक में और इसको एक बार पूरा कंप्लीट करके देखना क्लियर हो जाएगा सभी का और अच्छे से